पिता है या नहीं? माई बाबू बाकी ना, माता पिता है या नहीं? उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? माता पिता के बारे में क्यों पूछ रहे हो? भील बालक बोले, इसलिए कि अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते? अगर माता पिता होते तो आप जैसे सुकुमार कुमारों को वन में आने देते? लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि उन्हीं ने तो भेजा है। कह दे माता पिता, माता पिता नहीं तो भेजा है। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अप्रिय, लक्ष्मण जी ने कहा कि उन्हीं ने भेजा है। अब राम जी मन में सोचने लगे कि इस अप्रिय प्रसंग को बदलना चाहिए। तो राम जी ने, अब इनको मना भी कैसे करें कि ये सब ना पूछो, तो राम जी ने की युक्ति अपनाई। कहने लगे, देखो हम लोग साधु लोग हैं, संत हैं, और साधुओं से ये नहीं पूछना चाहिए कि घर में कौन कौन है और कहाँ घर है और कहाँ। भील बालक बोले, हम पूछते तो नहीं, लेकिन नाराज ना होना, एक बात कहें क्या, हमने क्यों पूछ लिया मालूम? साधुओं से तो नहीं पूछना चाहिए। राम जी बोले, तो हम लोग साधु हैं, ना पूछो हमसे। भील बालक बोले, सरकार नाराज ना होना, तो एक बात कहें क्या, तपसी के बेस, आपका ये जो साधु वेश है ना, तपसी के वेश तोहरा लागता बनुआ रुआ राजा बाबू हमार, राजा बाबू हमार, तपसी के वेश तोहरा लागता बनुआ रुआ राजा बाबू हमार, राजा बाबू हमार, राजा बाबू हमार, राजा बाबू हुआ। आपका ये साधु वेश तपस्वी वेश बना हुआ लगता है, आप राजकुमार हो, छिपा रहे हो। और राम जी इस बात पर खूब खुलकर हंसे, और राम जी को हंसते देखा तो अब ये कहने लगे, अच्छा तो आप भी मान गए कि आप राजकुमारी हो, साधु वेश तो ऐसे ही बना लिया। अच्छा एक बात बताएं, साधु नहीं हो बने हुए हो तो काहे को परेशान हो पेड़ के नीचे और वन में? हमारे घर चलो, घर तो छोटा, आप रहना घर में, हम चाहे बाहर रह लेंगे, हमको तो अभ्यास है, तुम्हें अभ्यास थोड़ा ही होगा। चलो हमरा घरे रहा। और राम जी मौन, और राम जी ये सोच रहे हैं कि पिता के वचनों से बंधा हुआ ना हो तो ये नेह भरा निमंत्रण अवश्य स्वीकार कर। तो वे बोले, आप कुछ बोल नहीं रहे सरकार? चलो हमरा घरे रह, चलवा की न किछु कह, कुछ तो कहो। लक्ष्मण जी बोले, बड़ी अकड़। नहीं नहीं छोटे सरकार, अकड़ बिल्कुल नहीं, मर्जी बात तुहार किछु नहीं बात दबुआ रुआ, आपकी मर्जी, हमारा कोई दबाव तो है नहीं। मर्जी बात तुहार किछु नहीं बात दबुआ रुआ राजा बाबू हुआ रुआ, राजा बाबू हुआ रुआ, हम बनवासी कोल भील के बटुआ रुआ राजा बाबू हुआ रुआ, राजा बाबू हमारा। तुलसीदास जी कहते, ये कुल भीलों की भावना देखकर भगवान यहीं रह गए, पर्ण कुटी बनाकर चित्रकूट में ही रहे। भय सब साधु किरात किरातिन राम दरस मिट गई कलुसाई, आई रहे जब ते दो भाई। भगवान चित्रकूट में ठहर गए, कहे वो राम बन गव सुहावा, कहे वो राम बन सुहावा,
बहु सुमन अवध जीवी आवा नाम तुलसीदास जी निखाद राज प्रभु को पहुंचा कर लौटे। जो देखा सुमंत की विक्षिप्त दशा और घोड़े देख दखिन दिसी हाय है ही है ना ही जिम बिनु पंख विहग बस दक्षिण दिशा की ओर देखते नहीं जल पिए ही न चर ही तृण लोचन मोचत बा दशा। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई कह दे राम या कहे श्री राम श्री सीताराम श्री लक्ष्मण कोई नाम ही ले दे जो कहे राम लखन वैदेही तो वे घोड़े हेकरी हेकरी हेत हे रहते हैं। अच्छा इनका वर्णन करके मानो श्री तुलसीदास जी यह कहते हैं कि जास वियोग विकल पशु ऐसे तो प्रजा मातु पितु जीवन निखाद राज समझाते हैं सुमंत जी को किसी तरह सेवक देकर विदा किया। अयोध्या में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं हो रही है सुमंत सास बैठत नगर सचिव सकुचाई जनु मारिस गुरु बामन क्या संदेश सुनाऊंगा मैं माता कौशल्या और दशरथ जी को जीवन जासुराम आदि उनसे क्या कहूं। दिन भर एक वृक्ष के नीचे बैठकर समय बिता दिया। रात हो गई जब सब सो गए ऐसा अनुमान मन में किया और सुमंत जी अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अवध प्रवेश कीन अंधियारे पैठ भवन रथ राख द्वारे लेकिन राम जी के बिना नींद किसे आवे जिन जिन समाचार सुन पाए भूप द्वार रथ देखन आए। आशा थी कि शायद लौटकर आ गए होंगे लेकिन जब देखा तो रथ पहचान ये वही रथ है। हाँ रथ तो वही है तो राम जी आ गए होंगे हो सकता है उतर के भवन के भीतर चले गए होंगे तब तो दर्शन हो ही जाएगा। एक बोला नहीं आए तुमने कैसे जाना का घोड़ों की दशा तो देख विकल लखी घोड़े गर ही गात हिन आत पहोरे। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुमंत जी को महाराज दशरथ ने देखा आगे सुमंत राम लक्ष्मण जानकी आ गए। अच्छा ठहरा दिया होगा उन्हें विश्राम करने का सवेरे मिलेंगे
मुझे था कि वे लौट कर आए। सुमंत जी कुछ बोले नहीं। महाराज दशरथ कहते मौन है मंत्रीवर, क्या बात है? महाराज राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय ही चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाई। अब ये मंत्री कहे तो महाराज ये सोचे कि वो नाव मांगनी पड़ी और केवट नहीं आया, और फिर ये राम सखा नहीं कहा कि नाव लेकर आओ, नाव आ गई। राम जी चढ़े और सीता जी को बिठाकर फिर बैठे, और लक्ष्मण बड़ी सेवा कर रहे हैं बहुत, और राम जी ने भी कहा कि पिताजी को प्रणाम कहना, मैं शीघ्र उठकर आऊंगा। और फिर लखन कहे कछु वचन कठोरा, यद्य भगवान ने कहा था कहो न तात लखन ललिका, लेकिन सुमंत जी ने कहा कहो, क्यों? लखन कहे कछु वचन कठोरा, पर राम जी ने तुरंत रोक दिया। बरज राम जी ने रोका और फिर मेरे हाथ जोड़े, पुनि मोहि निहोरा, और बार बार निज शपथ दिवाई, कहव न तात लखन ललिकाई, कि लक्ष्मण का लड़कपन है ये मत कहना। देखा राम कितने महान है, लक्ष्मण भी कुछ कहें तो राम सहन नहीं कर सके। वे आपको इतना चाहते हैं और आपको चाहते हैं तो आपके बिना भी वन में रह थोड़े ही पाएंगे। आप चिंता ना करो, जल्दी आएंगे, थोड़ा धीरज रख, यही भाव था। लेकिन सुमंत जी ने कहा राम तो मुझे चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा? अरे महाराज जाने दीजिए, राम जी ने शपथ दिलाई है लड़कपन। अच्छा तुम मुझे गाली दी होगी, अपशब्द कहे होंगे, और कुछ नाराज इसी पर होगा कि मेरे कारण राम वन में गए। हाँ हाँ बात ये तो हमारे लिए अपशब्द कहे। हाँ महाराज कहे तो अब हम क्यों कहें, लेकिन कहे। अच्छा कहे हैं सुमंत, लक्ष्मण ने अगर मुझसे अपशब्द कहे हैं और मेरा विरोध किया है तो मैं बहुत प्रसन्न हो गया और निश्चिंत हो गया।